फाइनली गाइज आज मेरे पास BGMI का 3.1 अपडेट का बीटा एक्सेस आ चुका है और जैसा कि मैंने तुम लोग को लास्ट वीडियो में बताया था कि BGMI का जो अपडेट है वो सिर्फ इसलिए डिले हुआ है क्योंकि गेम के अंदर वाव मोड आ रहा है। और जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हो ये बीटा की क्लिप्स है और गेम के अंदर फाइनली वाव मोड आ चुका है। ये BGMI है भाई साहब, ये कोई पबजी मोबाइल वगैरह नहीं है। और आज मैं तुम्हें BGMI के वाव मोड जो आने वाला है उसके अंदर के 7 मोड दिखाने वाला हूँ। गाइज सही में यार ये 7 मोड देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि गेम अब बहुत ज़्यादा बदलने वाला है। तो गाइज सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करो क्योंकि भाई साहब वाओ मोड खेलने के बाद ना अब आपके दोस्त वापस से गेम की तरफ चले आएंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैं केवल आपको सिर्फ 7 ही वाओ मोड दिखाने वाला हूं। हां लेकिन गेम के अंदर आपको बहुत सारे वाओ मोड देखने को मिलेंगे, मतलब ऐसे-ऐसे वाओ मोड देखने को मिलेंगे ना भाई। अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताऊं, मैंने अभी रिसेंटली देखा था PUBG मोबाइल कोई खेल रहा था कि उसके अंदर एक ऐसा वाओ मोड था कि अपार्टमेंट जो था वो तो नॉर्मल ही था लेकिन गाड़ियां और कैरेक्टर्स मतलब बंदे सब इतने छोटे हो गए थे ना भाई कि एक सीढ़ी चढ़ने में ना भाई तुमको 2 दिन लग जाएंगे। तो तुम यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि वाओ मोड अब कितना बदलने वाला है। खैर सबसे पहले बात करते हैं इस पहले वाओ मोड के बारे में कि ये जो मैं डायनासोर पे इतनी देर से भाग रहा हूँ क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूँ, इसका रीज़न क्या है। देखो ऊपर ना आप लोगों को एक आइकन दिखाई दे रहा होगा एरो जैसा कि हाँ मुझे इधर की तरफ जाना है। एक्चुअल में ये एक रेस का पार्ट है जब आप इस वाले वाओ मैप में आओगे। अब देखो वाओ मोड के अंदर ना बहुत सारे मोड्स हैं, अब मैं मोड बोलूँ मैप बोलूँ कुछ ही बोलूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप इस वाले वाओ मैप के अंदर आएंगे तो आपको ऐसा क्रॉसहेयर दिखाई देगा लेकिन ये बाद में दिखाई देगा जब रेस स्टार्ट हो जाएगी। आपके अपोनेंट जितने भी सारे होंगे उन सब वो सब ना डायनासोर पे बैठे रहेंगे इस तरीके से और ऊपर एक एरो का आइकन होगा। एक्चुअल में आपको उस एरो को फॉलो करना है और जैसे जैसे आप उस एरो को फॉलो करते जाएंगे आप भाई धीरे धीरे रेस की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ लेकिन अगर आपने किसी एक को छोड़ दिया तो फिर तो आप भाई ये मान लो कि रेस को हार जाओगे। गाइस क्या आप भी BGMI के टूर्नामेंट खेल के रोज 50,000 तक जीतना चाहते हो तो ये पार्ट एंड तक देखना। ए भाई बताना बताना भाई 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 मेरा भाई तो ये ऐप है सो स्ट्रॉन्ग जो कि 100% ट्रस्टेड है। सो स्ट्रॉन्ग के 35 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं और ये अभी तक 8 करोड़ की विनिंग बांट चुके हैं। और इस ऐप की सबसे बढ़िया बात तो ये कि इसमें आपको काफी टाइप के टूर्नामेंट्स मिलते हैं, स्पेशली इंस्टेंट टूर्नामेंट जिसमें 0 वेटिंग टाइम। और इस ऐप में कस्टम रूम की तो जरूरत ही नहीं है, बस अपने क्लासिक रैंक खेलो जैसे रोज खेलते हो और सो स्ट्रॉन्ग खुद ही आपके किल डिटेक्ट करके आपको पैसे दे देगा। तो यहाँ से रोज BGMI खेल के पैसे जीतना तो गारंटीड है। अब सो स्ट्रॉन्ग का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट पिन में दे के रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड करो और आपको वहाँ से 600 रुपए साइन अप बोनस इमीडिएटली मिल जाएगा जिससे आप फ्री में टूर्नामेंट खेल सकते हो। तो अभी जाके साइन अप करो। और मजे की बात तो ये कि इस ऐप में आप जो भी पैसे जीतोगे वो आप गूगल पे पेटीएम फोन पे कोई भी UPI ऐप के थ्रू इंस्टेंटली विदड्रॉ कर सकते हो। मोगेम्बो खुश। तो देर किस बात की, डाउनलोड करो फटाफट से और जीतो 50,000 डेली। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे मैंने दे के रखा है। और जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो भाई ये रेस बहुत ही लंबी है, मतलब पता नहीं कहाँ यासनाएं वगैरह से चालू करी थी मैंने ये रेस और अभी भी देखो खत्म नहीं हुई है। तो मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ फिर से कि आपको ना बीच में कुछ पोर्टल टाइप से दिखाई देंगे। एक्चुअली वो पोर्टल नहीं होंगे, हम उनको बोलते ना क्या बोलते हैं उनको जो पॉइंट्स होते हैं यार जहाँ पे हमें रुकना होता है, बिल्कुल वैसे। ये देखो अभी ये जो 5वां पोर्टल है या फिर 5वां जो पॉइंट है हमें यहाँ पर आके इसके अंदर से होकर निकलना है। और बीच बीच में ना आपको कुछ ऑब्स्टेकल भी दिखाई देंगे, मतलब कि जो आपकी रेस को होने से रोकेंगे अगर आप बीच में कहीं फंस गए ताकि लेट हो जाओ। देखो गेम का मकसद ही क्या है, गेम को टफ बनाना ताकि आपको खेलने में और भी मजा आए। इस तरीके से आपको जंप वगैरह करके जो है इसमें आगे निकल जाना। तो देख सकते हो भाई पूरा एरेंगल गुजर चुका है लेकिन ये रेस खत्म नहीं हो रही है। खैर अभी तो देखो मैं अकेले ही दौड़ रहा हूँ लेकिन सोचो जब इस वाले मैप में आप अपनी स्क्वाड के साथ में या अपने 8, 10, 20 लोगों के फ्रेंड के साथ में कस्टम रूम में खेल लोगे भाई कितना मजा आएगा। तुम लोग सोच रहे होंगे बस भाई इतना ही है, नहीं 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 भाई अभी ऐसी ऐसी चीज़ें ना भाई मैं तुम लोग को दिखाऊंगा, तुम लोग भाई ये कहोगे भाई बस हो गया काम। चलो गाइस अब चलते हैं अपने दूसरे वाओ मैप की तरफ। और ये वाला मोड ना आई थिंक सो आपने खेल रखा होगा कि मैंने भी खेला है और हो सकता है आपने शायद देख रखा हो। देखो इसमें क्या होता है ना हमें फॉल करना होता है वो भी सक्सेसफुली धीरे, मतलब इस हिसाब से कि डैमेज नहीं लेना क्योंकि ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है ना भाई कि अगर आप देखोगे भी ना ऊपर से तो नीचे वैसे ही मर जाओगे, मतलब समझ रहे हो इतना इतना नीचे हाइट है कि आप डर के मारे ही मर जाओगे। तो मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ और इसमें कैसे जाना है वो सारी चीज़ें। और हाँ ये बिल्डिंग ना इतनी नॉर्मल अपार्टमेंट जैसी नहीं है भाई, देखो यहां पर आपको एक पैन मिलेगा और हब हाइट देखो इस बिल्डिंग की। आप लोग सोच रहे होंगे यार इन फट्टों पे कूदते कूदते हम चले जाएंगे, लेकिन भाई एक टाइम पे आके इतना डैमेज मिलेगा ना आप लोगों को कि आप अगर इन फट्टों पे भी कूदोगे ना बार बार तो भी आपकी जो है यहां पे HP कम हो जाएगी। तो जैसा कि तुम लोग देख रहे हो और मेरे को वहां नीचे पहुंचना है। वैसे बाय द वे एक चीज बताऊं, इसमें
कुछ लोग भाई पता है क्या शॉर्टकट लगाते हैं, यहाँ पे ना सीधा आप लोगों ने लेफ्ट में नीचे दिख रहा होगा कुछ ना झंडे टाइप से गड़े हुए, भाई जाते हैं बंदे सीधा उस पर जंप करके पैन मारते हैं और वहां जाके लैंड हो जाते हैं। तो अभी देखो मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ और मुझे कोई आइडिया नहीं कि अब मैं कैसे जाऊँ, और मैं अगर एक बार यहाँ से नीचे गिरा तो तुम्हें पता ही है मेरे साथ क्या होगा। देखो अभी यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा देखो बिल्कुल हवा में खड़ा हुआ भाई, कुछ नहीं है ये वाव मोड़, भाई सही बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा ट्रैपी है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तुम लोगों को ऐसे लगेगा कि भाई ये चल क्या रहा है गेम के अंदर, लेकिन सोचो वहीं पे ही आगे गेम होता है। बीच बीच में देखो आप लोगों के लिए ना काफ़ी सारी लूट ही मिल जाएगी जैसे कि हेल्थ वगैरह। अब यहाँ पर देखो हर मोड के अंदर ना आपको अलग अलग लूट मिलेगी, ऐसा नहीं है कि हर किसी में आपको हेल्थ मिलेगी, नहीं किसी किसी में आपको थ्रोबल्स मिलेंगे, गन भी मिल सकती है, कुछ भी मिल सकता है। तो तुम देख सकते हो गाइस ये किस तरीके का भाई अजीब सा बिल्डिंग है और हमको भाई इसी से ना नीचे जाना है। अब मैं लोगों को दिखाता हूं। अब देखो मैं यहां पे शॉर्टकट लगाने का ट्राई करता हूं और यहां पे अभी थोड़ा सा यार देखो बीटा में ना इतना क्लियर हो नहीं रहा है कि एक्चुअल में किस चीज पे खड़ा हुआ हूं, और मैं यहां से देखो गया और अब तो मैं खत्म, तुम लोगों को पता ही है। तो भाई ये वाली अब जब तुम वो ये वाला जो मोड है तो अपने दोस्तों के साथ में खेलोगे ना, कसम से भाई तुम्हारे दोस्तों को भी बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि यार ये सही में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। देखने में बहुत आसान लग रहा है, देखने में गाइस ये बहुत ही आसान लग रहा है, लेकिन यकीन मानो ये इतना डिफिकल्ट है ना भाई कि तुम लोगों के ना कच्चे फट जाएंगे, लेकिन तुम एक भी मोड क्लियर नहीं कर पाओगे। हाँ जी हाँ भाई बिल्कुल सही सुना तुमने, ये बहुत ही ट्रिकी है। अब गाइस नेक्स्ट मोड तो भाई तुम लोग सुन के ना हैरानी हो जाओगे कि मतलब सही में यार बीच में के अंदर कुछ ऐसा भी आ सकता है। जी हाँ गाइस हाइड एंड सीक छुपन छुपाई का गेम, तुम लोग सोच रहे होंगे बीच भाई के अंदर छुपन छुपाई का गेम कैसे होगा चालू। तो देखो अभी यहाँ पर देखो 8 सेकंड बचे हैं, मैच स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि सारे जो फ्रेंड्स हैं वो भी आपके छिप रहे होंगे इस दौरान, और अब जैसे ये टाइमर खत्म होगा आपको जाके अपने दोस्तों को पकड़ना है बस। सबसे पहले देखो यहाँ पर जो है टीममेट्स वगैरह सब छिप चुके हैं, और ये जो आप लोगों को ऊपर दिखाई दे रहा है बाय द वे ये एक पोर्टल है, और ये पोर्टल अभी एक्टिवेट वगैरह नहीं होगा अगर इसका कोई दूसरा डेस्टिनेशन सेलेक्ट नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आप लोग वाव मोड देख रहे हो ना ये आप भी बना सकते हो, अभी गेम के अंदर आपको ये सब बनाने का ऑप्शन भी मिलेगा। बट फिलहाल देखो मैं यहाँ से बाहर निकलने का ट्राई कर रहा हूँ लेकिन निकल नहीं पा रहा हूँ, तो यहीं पर मुझे ट्रिक लगानी है कि कैसे मैं इस मैप से बाहर निकलूँ। तो यहाँ देखो मेरे जेब में एक ग्रेनेड था, मैंने इसे फेंका और ग्रेनेड देखो पार चला गया, और जैसे ग्रेनेड फटेगा बस ये देखो गेट खुल गया है, सीटी बच चुकी है, सारे टीममेट्स को छुपना है इतने में। अब वो कहीं भी छुपे हो सकते हैं, हो सकता है इस बॉल के अंदर हो सकता है या घास फूस के अंदर हो, कहीं भी हो सकता है। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कितनी अजीब अजीब जगह है यहाँ पर कि बंदा कहीं भी छुप सकता है, ठीक है देखते जाओ बस। सबसे पहले तो भाई बिल्डिंग देखो बिल्कुल ही अलग लग रही है, आई थिंक सो ये कौन से मैप की बिल्डिंग हो सकती है, ये मेरे को लिरिक मैप की बिल्डिंग लग रही है, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर छुपने की क्या क्या जगह है, ठीक है। और हाँ तुम जब बंदों को पकड़ोगे ना तो तुम्हें उन्हें गोली से मारना है, क्योंकि उनके पास गन नहीं होगी, गन सिर्फ तुम्हारे पास है। इस गेम का मतलब ही क्या है, अगर तुमने उसे मार दिया मतलब पकड़ लिया। अब देखो हो सकता है कि वो इसमें हो, बस तो ऐसे फायर करके देखना है, अगर फायर करा और बंदा बाहर निकल गया तो मार दो, तुमने उसे पकड़ लिया। दूसरा तुम्हें स्पॉट दिखाता हूँ, ऐसे भाई यहाँ पे आके लेट के बैठ के जैसे भी है और तुम इसके अंदर भी छुप सकते हो और देख सकते हो। तो तुम समझ रहे हो भाई साहब क्या मतलब किस लेवल पे जा रहा है गेम, छुपन छुपाई सीरियस छुपन छुपाई चल रही है, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर। और देखते हैं गाइस कहाँ पर छुपने की जगह हो सकती है। खैर बता दूं कि अभी यहाँ पर कोई भी छुपा हुआ नहीं है क्योंकि ये बीटा है, तो बीटा में बस मैं ऐसे ही मतलब क्या बोल सकते हैं वीडियो दिखाने के लिए कि क्या है एक्चुअल में, बट यहाँ पे अभी कोई छुपा हुआ नहीं है तो टेंशन मत लो। और मैप देखोगे तो कुछ अजीब सा लगेगा भाई देखने में। और फिर से बताता हूँ कि गाइस ये सारे जितने भी आप लोग वाव मोड देख रहे हो ये बना भी सकते हैं हम लोग, तुम लोग को यकीन नहीं हो रहा। जी हाँ गाइस तो देख सकते हो गाइस यही है छुपन छुपाई का गेम, इसमें कोई कहीं भी छुपा रह सकता है, कुछ भी हो सकता है, तुम यकीन नहीं मानोगे भाई जब ये गेम आ जाएगा और जब तुम इसे खेलोगे ना तब आपको पता चलेगा। तो अभी कितने हमारे मोड हो चुके हैं, आई थिंक सो गाइस हमारे 3 मोड हो चुके हैं। अभी हम लोग चलते हैं चौथे की तरफ, और चौथा वाला थोड़ा सा अजीब है, मैं एक्सप्लेन भी शायद ना कर पाऊँ बट फिर भी आप लोगों को बताता हूँ। इसका नाम है गाइस जंप और डाई, मतलब कूदो या मरो। अभी देखो क्योंकि ये बीटा वर्जन है तो इसमें हो सकता है कि पूरे हम लोगों को रेंडर्स ना दिखाई दे रहे हो। ये देखो मैं कूदा नीचे आ गया, पता नहीं कहां पर, कुछ आइडिया नहीं है। अभी देखो वैसे भी ये मैच मेकिंग दिखा रहा है कि स्टार्ट होने वाली है थोड़ी देर में, तो देखते हैं कि एक बार जब मैच मेकिंग स्टार्ट हो जाती है तो हमें यहां पर क्या देखने को मिलता है। चलो यहां पर मैच स्टार्ट हुआ, हम देखो वापस से ऊपर आ गए। अब देखो यहां पर ना क्योंकि ये बीटा वर्जन है तो मैंने तुमको बताया ही था कि यार यहां पर पूरे रेंडर्स नहीं आए, तो समझ ही नहीं आ रहा कि अब इसमें है क्या, बट लेकिन नाम से पता चल रहा है। ओके तो ऊपर जो चक्री है हमें उससे बचना है, या तो कूदना पड़ेगा या फिर हम ऊपर मर ही जाएंगे, तो चलो थोड़ा तो मेरे को समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, इसका नाम है ट्रैप पार्क,
मतलब यहाँ एक ऐसा पार्क है जहां पर कि आप लोगों को ट्रैप देखने को मिलेगा। अब ये कैसा ट्रैप है आप लोगों को बताता हूँ, ये देखो। तो 10 सेकंड में मैच स्टार्ट होने वाला है। खैर बाय द वे गाइस, मैंने आप लोगों को बोला ही नहीं सबसे यार कि वीडियो को यार लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार, इतना मस्त कॉन्टेंट मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। तो चलो अब मैच स्टार्ट हो चुका है, मैं तुम लोग को बताता हूँ कि ट्रैप पार्क है क्या। अब देखो आगे आप लोगों को दिख रहा है गो हो चुका है, ठीक है। हम लोगों को वहां सामने जाना जहां ऊपर देखो सामने मीटर दिखाई दे रहा है जहां पे 01 लिखा है वहां। लेकिन अब मैं या तो लेफ्ट से जाऊंगा या राइट से, लेकिन इनमें से कोई एक बॉक्स नकली है, मतलब कि यहां पे ट्रैप होके रखा है। जैसे अभी तक देखो मैं एकदम सही जा रहा हूं, लेकिन अगर जहां ट्रैप हुआ यस ऐसे मैं नीचे गिर जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा। तो जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे खेलोगे तो भाई बहुत मजा आएगा ट्रैप पार्क को देखने में। ये देखो ये भी एक ट्रैप था। तो इसमें पता है इस जीतने का एक ट्रिक बताता हूँ, इसमें कैसे आप लोग जीत सकते हो जब आप अपने फ्रेंड्स या एनिमीज के साथ खेल रहे हो, कि आपको ना पीछे रहना है, बस आपको देखना है कि असली वाला कौन सा है नकली वाला कौन सा है। जब आप उसके पीछे रहोगे ना तो वो मर गया बस, तो आपको उस वाले पे नहीं कूदना है। तो यहाँ पर जैसे कि तुम लोगों ने देखा कि मैं जितनी बार ट्रैप पार्क पे कूदा हूँ वो वाले गायब हो चुके हैं। और ये भाई क्या ही बताऊँ अभी यार, ये ना बीटा की वजह से ना अजीब ही चल रहा है थोड़ा सा गेम। एक बार देखो फिर से ट्राई करते हैं हम लोग, यहाँ से जाने का ट्राई करेंगे पहले, ठीक है फिर इस पे चलेंगे। अब हमें शायद राइट वाले पे जाना है, ठीक है, क्योंकि उधर तो कूद ही नहीं सकते, ये फिर से गड़बड़ हो गई। चलो अभी चलते हैं गाइस नेक्स्ट की तरफ, और इसका नाम है एस्केप रूम, मतलब कि हमें इस रूम से बाहर निकलना है, समझ रहे हो। फिर से बता दूं कि ये एक पोर्टल है जो आप लोगों को अजीब सा दिखाई दे रहा है ना, गैलेक्सी टाइप सा, ये एक पोर्टल है। बट ये पोर्टल एक्टिवेट तभी होगा जब इसका दूसरा, देखो ऊपर लिखा हुआ टेलीपोर्ट फेल, दूसरा डेस्टिनेशन इसको नहीं मिल रहा है। बात करते हैं एस्केप रूम क्या है। देखो हम इस रूम में ना बंद चुके हैं और अब हमें यहां से कैसे भी बाहर निकला है, कुछ भी तिकड़म लगानी है, जो हो सके उतना दिमाग लगाना है। यहां पे फर्स्ट एड मिल जाएगी आपको, नीड मिल जाएगा। ये देखिए मैंने फर्स्ट एड ले ली और नीड ले लिया। तो चलो अभी ट्राई करते हैं कि कैसे हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं नेड का यूज़ करके। तो यहाँ पे देखो ना एरो बना हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अगर हम लोग यहाँ नेड मार दें तो आई थिंक सो मेरे को लग रहा है कि हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। जी हाँ गाइज, चलो तो ट्राई करते हैं। और कुछ है यहाँ पे जगह, मेरे को ना यहाँ पे ऐसे क्रॉसियर से बना रहा है ना, ऐसा लग रहा है ना जैसे कि यहाँ पे एम लगाओ, यहीं पे एम लगाना है, ठीक है। कोई नहीं, शायद मेरे को लग रहा है फटेगा कि नहीं फटेगा, ये फट गया। और ये देखो गेट फट गया। ओ भाई यहाँ पे दूसरा गेट भी, आई थिंक शायद मेरे को ना बीच में यहाँ ग्रेनेड फेंकना था और तब जाके हम लोग इस रूम को एस्केप कर पाते। तो गाइस तुम लोग समझ ही गए कि यार ये वाले मोड के अंदर हम लोगों को बस एस्केप करना है कैसे भी, लूट वगैरह। ओ भाई लोग घूसों से भी टूट गया, क्या बात है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, चक्कू मिलेगा। भाई मुझे लगा था बस इतना ही है भाई, नहीं अभी बहुत आगे गाइस ये गेम देख रहे हो तुम लोग। सामने कौन है, सामने कौन खड़ा है, भाई ज़ॉम्बी भी आ गया इसके अंदर। तो भाई क्या चल रहा है ये। चलो भाई एस्केप रूम तो अभी हम लोग एस्केप नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग एस्केप करते हैं गाइज इस वाले मोड को और चलते हैं गाइज नेक्स्ट और अपने आखिरी सातवें मोड की तरफ। जैसे कि मैं तुम लोग बताया आज मैं तुम्हें सात मोड दिखाने वाला हूँ, और इस वाले मोड का नाम है गाइज टैंक वॉर। नाम से समझ में आ रहा है कि एक वॉर होने वाली है और जिसमें सबके पास टैंक होंगे। जी हाँ गाइज, अभी देखो मैच स्टार्ट होने वाला है, तो ये आई थिंक सो आपके टीममेट्स के या फिर हो सकता है बाकी सबके हों, आई डोंट नो, बट देखते हैं अभी जब मैच चालू होगा तो ये किस तरीके से चालू होगा, ठीक है। 3, 2, 1 एंड चालू गाइस। ये क्या हुआ, मुझे नीचे क्यों फेंक दिया। ओके ये गाइस बीटा है ना, तो अभी जरूरी नहीं है कि आपका गेम में भी ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। हाँ लेकिन थीम ऐसी रहेगी, बस याद रखना। ओ भाई क्या आवाज आई है, अरे बाप रे बाप। वैसे गाइस ये मैप देखने में कुछ अलग ही लग रहा है ना, तो एरेंगल ही है ना, मेरा मार ही है, कुछ और ही है, ये अजीब सा ही मैप बना रखा भाई इन्होंने। यहाँ पे ए क्या दिखाई दे रहा है गाइस, पता नहीं। तो गाइस देख सकते हैं यार ये जो टैंक वॉर मोड है ये भी थोड़ा सा मतलब यूनिक सा लग रहा है। कहाँ हम गोलियों से खेलते हैं लेकिन हम टैंक से फाइट करेंगे। ये देखो भाई ऊपर जाता है क्या, ये ऊपर नहीं गया क्या भाई इसका मतलब, अगर एक बार डासिया मार दे तो डासिया ब्लास्ट हो जाएगी। तो ऑलराइट गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मैं तुम लोगों को जैसा ही कंफर्म बताया था बीच में के अंदर 3.1 अपडेट के अंदर वाव मोड आने वाला है, और ये वाव मोड के मैंने तुम लोगों को सात मोड दिखा दिए, ये तो कंफर्म है ही। और भी क्या क्या आएगा वो अभी हम लोगों को जल्दी पता चल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ में। मैं मिलूंगा तुम लोगों को नेक्स्ट कमाल वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।